नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है, इस सोमवार को यानी कि 20 तारीख को इस बार सोमवती अमावस्या भी है और सभी बहन भाइयों का पशुपति व्रत भी होगा और 16 सोमवार का व्रत भी होगा। क्या ये तीनों व्रत एक साथ रख सकते हैं? देखिए, वैसे तो एक समय पर एक दिन पर एक ही व्रत करना होता है। अगर आप तीनों व्रतों के नियमों का पालन कर सकते हैं तो आप तीनों व्रत एक साथ रख सकते हैं। तीनों व्रतों में किसी व्रत में कई लोग पशुपति व्रत में फलाहार करते हैं, अनाज का सेवन नहीं करते। कई लोग सोमवार के व्रत में भी फलाहार करते हैं, अनाज नहीं खाते। परंतु इस बार आपके तीनों व्रत एक साथ होंगे। तीनों व्रत एक साथ करने के लिए आपको फलाहार का प्रयोग ही करना होगा। आप इस दिन फलाहार करके अपने तीनों व्रतों को पूर्ण कर सकते हैं और आपको तीनों व्रतों का फल भी मिलेगा। चाहे आप तीनों व्रत पहले किसी भी तरीके से करते हों, तो इस बार आपके तीनों व्रत एक साथ हैं तो आप फलाहार करके ही अपने व्रतों को पूर्ण करें तो ज़्यादा अच्छा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।